भंडारा जिला परिषद की मिल्कियत और शास्त्री नगर चौक स्थित शहर के प्रसिद्ध दशहरा मैदान पर अब नगर परिषद इंडोर स्टेडियम के नाम पर निर्माण कर घुसपैठ करने की फिराक में है। भंडारा जिले में बारिश के साथ ही जलजन्य बीमारियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। जानकारी मिली है कि धीरे धीरे जिले में डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार के बयानों को लेकर एक बार फिर बखेड़ा शुरू हो गया है। बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भतीजे अजीत पवार समेत कई विधायकों के अलग हो जाने के बाद भी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। गणेशोत्सव करीब आ रहा है, जिसके लिए मूर्तिकार गणपति बाप्पा की मूर्तियों को आकार देने में जुटे हुए, जिसके चलते गणेशोत्सव को लेकर मंडलों में उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 4 फर्जी फर्म पंजीकृत हुए और इनपुट ट्रेडिंग कर सरकार को जीएसटी में 10 करोड़ 14 लाख रुपए का चूना लगाया। ईडी आयकर विभाग और जीएसटी विभाग ने मालिक के खिलाफ फर्म को सीज कर दिया। गोरेगांव तहसील की मुहाड़ी ग्राम पंचायत में पहल करते हुए गांव में लड़की के जन्म पर उसकी मां को 1100 रुपए व शॉल देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। रक्षाबंधन नजदीक आते ही बाजार में राखी की दुकानें सज गई है। जगह जगह राखी की दुकानें सजने से बाजार में रौनक बढ़ गई है। आने वाले वर्षों में मुंबई एमएमआर इलाके में यातायात को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाने की योजना बनाई गई है। मुंबई नवी मुंबई को समुद्र के रास्ते जोड़ने के लिए बहुउद्देशीय मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र के मुख्य कर्णबधिर दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र स्कूल होने और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आजाद मैदान में राज्य स्तरीय कर्णबधिर एसोसिएशन के लोगों ने आंदोलन किया। आंबागढ़ के जंगल में बोड़किया पहाड़ी के पास सड़क पर एक चरवाहा ने धारीदार बाघ को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा।